Subscribe to my channel, it's free to subscribe, and also press the bell icon so you never miss out my any video. Thank you beautiful, stay blessed. Hey guys, this is the Bratz Doll makeup challenge. This is not a makeup tutorial, this is a makeup fun. So let's enjoy the video. पहले मैं स्पूली के थ्रू अपने आईब्रो के हेयर को थोड़ा सा अपर मोशन में कॉम करते हुए सेट कर लूँगी. फिर मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर इस्तेमाल कर रही हूँ आईब्रो को हाइड करने के लिए. फिर लूज पाउडर से मैं सब कुछ ठीक ठाक से सेट कर लूँगी. इसके बाद मैं फाउंडेशन का अप्लाई कर रही हूँ आईब्रो के साथ साथ फुल फेस में भी. मैं फाउंडेशन को अप्लाई करते हुए डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी. फिर इसके तुरंत बाद ही मैं लूज पाउडर से सब कुछ पूरे फेस को सेट कर लूँगी, जैसे कोई भी क्रीज लाइन ना आए पूरे फेस में. फिर आफ्टर 2 मिनट मैं सब कुछ एक बड़ी सी पाउडरी ब्रश से कुछ डस्ट आउट कर लूँगी. फिर यहाँ पे मैं मिस क्लेयर का वाइट काजल इस्तेमाल कर रही हूँ. इसका जो भी कलर है बहुत लाइट है, तो उसके फ़ायदा लेते हुए मैं आई को पहले ड्रॉ आउट कर रही हूँ. जो भी मतलब जो फेक आई होगा उसको मैं पहले ड्रॉ कर लिया. फिर ये वाइट आई लाइनर के थ्रू मैं आई को जो भी ओरिजिनल जो शेप होगा उसको ड्रॉ करते हुए नायका व्हाइट कलर से उसके इनर पोर्शन को फिलअप कर लूँगी. सेकेंड दूसरे आई में भी मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए पहले आई का शेप ड्रॉ करूँगी, फिर इनर पोर्शन को फिलअप कर लूँगी. फिर मैं आई बॉल को ड्रॉ करूँगी. यहाँ पे मैं लैक्मी के इंस्टा रनर अप्लाई कर यूज़ कर रही हूँ. आई बॉल को अच्छे से ड्रॉ होना ज़रूरी है ताकि ये थोड़ा सा रियल लगे, मतलब रियल डॉल की तरह ये लगे. डॉल की जो भी आईब्रो मतलब जो भी आई होता है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा बड़ा ऐसे बड़ा आई बॉल की तरह होते हैं, तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ. और सेम लाइनर से मैं इनर पोर्शन भी फिलअप कर लूँगी. आई शेडो के लिए जो भी ट्रांजिशन लाइन है वो थोड़ा सा अपर साइड में होगा, नॉर्मल टाइम से भी अलग. और आईलिड के अपर पोर्शन में मैं रेड कलर को अप्लाई करते हुए क्रीज लाइन को अलग से लाइनर के थ्रू थोड़ा सा लाइन आउट कर लूँगी. और जो फिर मैं आई को जो ड्रॉ किया था उसको मैं फुल लाइन आउट करूँगी. ये लाइन आउट एक मस्ट पार्ट है गाइस, ये अच्छे से होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आई पूरा रियल लगे. फिर मैं यहाँ पे फेक आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ सेम लाइनर के थ्रू, नॉर्मल आईब्रो के आईब्रो से थोड़ी सी ऊपर, जैसे डॉल का आईब्रो होता है बिल्कुल थिन इस तरह का. फिर आई बॉल के अंदर ये थोड़ा सा मैं पॉइंटी टिप करूँगी जैसे कि और भी रियल लगे. आई को थोड़ा सा बाहर की तरफ से मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी. ट्रांजिशन सेट पे मैंने जो भी कलर दिया था वहाँ पे मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर अप्लाई करते हुए मास्कारा का अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी फॉल्सी का अप्लाई नहीं कर रही हूँ. फिर फेक आईलैश तो बनती है गाइस, जैसी डॉल की होती है नीचे की तरफ बड़ी बड़ी सी, तो नॉर्मल तरीके से जो भी कॉन्सिलर का जो भी पार्ट है वो भी थोड़ी सी नीचे की तरफ ही होगी. जैसे आई थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई है तो कॉन्सिल भी थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी. बाकी सब कुछ नॉर्मल फोरहेड पे चिन पे जैसे होता है वैसे करते हुए ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि हाइलाइटेड पॉइंट पे हाईलाइट होना बहुत ही ज़रूरी है गाइस. फिर जॉ लाइन में मैं यहाँ पे कॉन्टूर कर रही हूँ जैसे कि फुल भी शेप आ सके. नॉर्मल चिन पे जैसे कॉन्टूर होता है उससे थोड़ी सी नीचे मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ. और फिर मैं थोड़ा सा पिंक पिंक वाला ब्लश का अप्लाई कर रही हूँ, जैसे टॉल की जो भी चिन होता है बहुत ही पिंकी पिंकी वाला होता है. और ख़ास करके जो नोज़ होता है वो बहुत ही टीनी बहुत ही थिन होता है, तो नोज़ को मैं अच्छे से कॉन्टूर कर रही हूँ फिर से, जैसे कि मेरा नोज़ थोड़ा सा इस तरह का कुछ बहुत ही थिन लगे. फिर थोड़ा सा सामने की तरफ मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करूँगी, और जैसे कि मेरा जो फेक आईब्रो है उसके नीचे भी मैं हाइलाइटर का अप्लाई करूँगी.
लीफ में यहाँ पे फेक ही होगा गाइस, जैसे कि डॉल का लीफ बहुत ही बड़ा बड़ा मोटा मोटा होता है, तो ख़ास करके लोअर लिप में मैं लिप लाइनर के थ्रू ही थोड़ा सा कॉन्टूरिंग करूँगी। फिर यहाँ पे मैं आई एम्स्टरडम का लिक्विड लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ, और फिर एक सेकेंड शेड अप्लाई करने के लिए मैं उसके ऊपर से नायका का लिपस्टिक भी अप्लाई करूँगी, जैसे कि और भी ओरिजिनल सा पिंकी पिंकी वाला डॉल का लिप्स लगे। This is the final doll look. This is type of Barbie doll look, guys. If you enjoy the video, तो please like करना मत भूलना और comment section में मेरे साथ share ज़रूर करना कि video कैसा लगा है। Video करते करते ही मुझे छींकाना start हो गई, तो मेरा voice थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो please 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 excuse me। और नए हो तो subscribe ज़रूर करना, और हाँ bell button को भी दबाना ऐसे नए नए video के update के लिए। तो आज के लिए Barbie doll भी कर रही है टाटा, मैं भी बोलूँगी टाटा।